तो गाइज हेलो एंड वेलकम। तो आज हम देखेंगे एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, देखेंगे सीखेंगे सब करेंगे। तो इसके पहले मैंने एंगल्स, व्हाट आर एंगल्स, ठीक है, उस पर एक वीडियो बनाया है। अगर आप ये देख रहे हो तो ये देखने से पहले आप वो ज़रूर देख लेना, ठीक है। उसमें सब टाइप ऑफ एंगल्स, एंगल क्या होता है, एंगल कैसे होते हैं, सब एंगल्स के डेफिनेशन सब मैंने अच्छे से बता दिया है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, व्हाट आर एंगल बाइसेक्टर। ओके, तो आपको यहाँ पर सीखने के लिए सबसे पहले लगेगा एक प्रोट्रैक्टर, ठीक है, देन लगेगा आपको एक कंपास, देन एक पेंसिल, ठीक है, बस। ओके, और लगेगा तो मैं बता दूंगा, इरेजर शार्पनर आपके ऊपर है, आप कौन सा पेंसिल यूज़ करते हो, ठीक है, तो इरेजर भी लेके बैठ जाओ। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो आपको पता ही होगा बेसिकली कितने टाइप्स के एंगल्स होते हैं, पिछले वीडियो में मैंने क्लियर कर दिया था। एंगल्स होते हैं थ्री टाइप्स के, इंपॉर्टेंट जो एंगल होते हैं वो होते हैं थ्री टाइप के। फर्स्ट होता है एक्यूट राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड राइट एंगल। ओके, एंड यहाँ पर आपको एक स्केल की भी ज़रूरत लगेगी। ओके, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले करना क्या है, आपको एंगल बाइसेक्ट करने के लिए सबसे पहले वो लोग क्या करेंगे, एक एंगल का मेजर देंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1, एंड एंगल मेजर हम लेते हैं समथिंग एज 60 डिग्री, ठीक है। आपको एंगल बनाना मैंने अच्छे से पिछले वीडियो में बता ही दिया था, तो आप पिछला वीडियो देख लो। ओके, आपको सब समझ जाएगा, आपके सब डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें 60 डिग्री का एंगल बनाना है, एंगल बनाना है एंड देन एंगल बाइसेक्ट करना है। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले स्केल लेंगे, स्केल को यहाँ पे बुक पे रख देंगे, ठीक है, एंड आपको जितना चाहो आप उतना लाइन खींच सकते हैं, ठीक है, उतना लंबा लाइन खींच सकते हैं, उतना लाइन खींच सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ खींच लेता हूँ, 7 सेंटीमीटर का लाइन, ठीक है, एंड हमें क्या करना है, यहाँ पर एरो बना देना है एंड एक पॉइंट। ओके, तो ये करने के बाद आपको क्या करना है, प्रोट्रैक्टर लेना है, ठीक है, ये प्रोट्रैक्टर मेरे पास, एंड इसको यहाँ पर ऐसे रख देना है, रख दिया। ओके, अब कितने मेजर का है, 60 डिग्री मेजर, तो आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे, 60 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो किस साइड करना है। तो आपको एक बेसिक बात पता होनी चाहिए कि जो एक्यूट एंगल होता है इज़ लेस देन 60, एंड जो ऑब्ट्यूज एंगल होता है इज़ मोर देन जो एक्यूट एंगल होता है इज़ लेस देन 90, एंड जो ऑब्ट्यूज एंगल होता है इज़ मोर देन 90। ओके, तो आपको यहाँ पर अब क्या करना है, वो जो बेसिक लॉजिक है उसके हिसाब से आपको करना है। तो आपको यहाँ पर पता होगा एक्यूट एंगल क्या होता है, जो 90 से कम होता है, तो 90 से कम कहाँ है, यहाँ है, एंड एक्यूट एंगल किस तरह से होता है, इस टाइप में होता है, एंड ऑप्टिक एंगल किस टाइप में होता है, इस टाइप में होता है समथिंग। ये तो ये हो गया ना, ये एक्यूट हो गया। ओके, एंड ऑप्टिक लाइक ये इस साइड पे, ठीक है, लेफ्ट साइड पे। अभी यहाँ पर हमें क्या दिया है, 60 मेजर दिया है। यहाँ पर हम एक मार्क करेंगे, एंड ये जो डॉट है, ये मार्क करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये दो डॉट जो है इनको कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, एंड एक लाइन खींचेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक लाइन खींचा, ठीक है। अभी हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले इनको नेमिंग कर देना है यहाँ पे। तो मैं इसको नेम देता हूँ ए, इसको नेम देता हूँ बी, इसको नेम देता हूँ पी। ओके, एंड यहाँ पर अब आपको क्या करना है, एंगल बाइसेक्ट करने के लिए ये लेना है कंपास, ठीक है, एंड इसको आप एक आपके हिसाब से कोई भी एक छोटा सा मेजरमेंट ले लो, कितने का है ये, 1.5 सेंटीमीटर का है, ठीक है, आप ये ले लो, 2 सेंटीमीटर का ले लो, एंड यहाँ पर आपको एक आर्क बनाना है, ठीक है। तो ये क्या किया मैंने, एक आर्क बनाया। ओके, तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात, जब आप एंगल बनाते हो तब आपको यहाँ पर ये जो एंगल है इसका साइन दिखाना है, ठीक है, ये नहीं दिखाओगे
तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। एंड उसके बाद यहाँ पर एक आर्क बनाना है, ठीक है। तो अब आर्क बनाया ना, तो आप थोड़ा बड़ा कर लो, छोटा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप बड़ा करो इसको, छोटा करो, या फिर उतना ही रखो। एंड ये जो पॉइंट्स है यहाँ पे, ये वाला पॉइंट एंड ये वाला जो आपका पॉइंट है, ठीक है, इस पे आपको आपका कंपास का पॉइंट रखना है। एंड यहाँ पर और एक आर्क बनाना है, ओके। एंड यहाँ पर भी ये जो हो रहा है यहाँ पे, यहाँ से भी आपको एक आर्क बनाना है, ओके। देखो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है ये आर्क, ये लाइन आर्म्स पे। एंड हमें क्या करना है, यहाँ पर रखना है एंड यहाँ से दो आर्क बनाना है, ठीक है। जब हम आर्क बनाएंगे तब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो पॉइंट है एंड इसका जो हमें सेंटर मिला है, यानी यहाँ पर इंटरसेक्ट होके जो पॉइंट मिला है, यहाँ से लेके यहाँ से एक लाइन बनाना है, ओके। एंड ये क्या हो गया, हमें 60 का हाफ मिल गया, 60 का हाफ इज 30। तो हमें क्या करना था, बेसिकली बाइसेक्टिंग मीन्स कोई भी एंगल का हमें हाफ मिलना, ओके, इज कॉल्ड एज बाइसेक्टिंग, एंगल बाइसेक्टिंग, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर बाइसेक कर लिया, यहाँ पर हमें एक पॉइंट मिला, तो इस पॉइंट को भी हम कुछ नाम दे देंगे। तो इसको मैं नाम देता हूँ ओ, ठीक है, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, मैं ओ देता हूँ, ओके। तो ये क्या हो गया, हमारा एंगल बाइसेक्टिंग हो गया। तो हम देख लेते हैं 60 का हाफ क्या होता है, आपको पता ही होगा 30। तो हम यहाँ पर कंपास रख के देखते हैं वेदर वी आर राइट और रॉन्ग, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम एग्जैक्ट बना है एंड 30 है। तो आपको ये चेक करने की ज़रूरत नहीं, अगर आपने फॉलोइंग स्टेप्स एकदम परफेक्टली किए है तो आपको मिल जाएगा एकदम आसानी से। अगर आप 125 का करोगे तो आपको 125 का एग्जैक्ट हाफ मिल जाएगा, ठीक है। 110 का करेंगे, कोई भी मेजर का करो, ओके, आपको मिल जाएगा। अभी हम क्या करते हैं, और एक एग्जांपल लेते हैं, ओके, और एक एग्जांपल लेते हैं। ये कर लिया हमने एक्यूट को, तो अब हम करते हैं सेकंड वाला, कोई ऑब्टूज ही लेते हैं, ओके। तो यहाँ पर सेकंड करते हैं, सेकंड वाला ऑब्टूज करते हैं, ऑब्टूज एंगल को बाइसेक करते हैं। तो कौन सा लेंगे हम लोग, 120 नहीं लेते हैं, 150 ले लेते हैं, 110 150 ले लेते हैं, ओके। यहाँ पर हम क्या करते हैं, 150 डिग्री, ऑल राइट। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले स्केल लेते हैं, ओके। तो अभी ये ऑप्टूज है तो इसलिए इसका क्या होगा, ये साइड ज़्यादा जाएगा, है ना। तो हम इसको थोड़ा राइट साइड में इसको इसका फिगर बनाते हैं, इसका बेस बनाते हैं, ओके। तो यहाँ पर मैं थोड़ा बेस बना लेता हूँ, थोड़ा लंबा बेस बनाता हूँ, ओके। ये मैंने क्या कर लिया, बेस बना लिया। अभी यहाँ पर एंगल का एक आर्म रेडी है, ओके। एंड अब आपको यहाँ पर क्या करना है, 150 मेजर है, ठीक है। तो आपको इजीली एक सिंपली एक प्रोट्रैक्टर लेना है, इसको ये लाइन से मैच करना है। एंड यहाँ पर 150 मेजर क्या है, यहाँ पर है 150 मेजर। इसको आप ये डॉट्स को आप अटैच कर देना है, ठीक है। एंड एक रे बनाना है, ये आपने क्या कर लिया, एक एंगल बना लिया, ठीक है, विद टू आर्म, ओके। तो इसका मेजर क्या है, 150 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, इसको बाइसेक्ट करेंगे। तो बाइसेक कैसे करना है, आपने ये कर लिया तो इसके बाद आपको और एक बाइसेक करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट काम कर लेना, आपको इसको नेम दे देना है। तो मैं इसको देता हूँ पी, यहाँ पर देता हूँ मैं क्यू, एंड इसको देता हूँ मैं ए दे देता हूँ, ओके। ये क्या कर लिया, हमने बना दिया। अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, प्रोट्रैक्टर लेंगे एंड देन इसको यहाँ पर जो पॉइंट पे मिल रहा है, ये वर्टेक्स जो बोलते हैं हम इसको, यहाँ पर से एक आर्क बनाएंगे, ओके। आप कितने भी बड़ा ले लो, छोटा ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें बस आर्क से मतलब है। एंड आप ध्यान रखना, ये आर्क बनाते बनाते ऊपर नीचे ना हो जाए, वरना पूरी गड़बड़ हो जाएगी, ओके।
तो अभी हमने क्या किया, यहाँ पर आर्क बना लिया। अब हम इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे एंड ये जो पॉइंट्स पे मिल रहा है यहाँ पर हम क्या करेंगे और एक आर्क बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर है, ओ देखा ऐसा होता है। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पर एक पॉइंट मिल गया। ओके एंड अब हम क्या करेंगे, ये पॉइंट पे एंड ये पॉइंट को जॉइन करके एक रे बनाएंगे। ठीक है, आपको पता ही होगा व्हाट इज़ अ रे। ठीक है, रे मतलब एक पॉइंट से लेके एक सीधा लाइन जाता है। लाइन के ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, आप देख लेना, प्लेलिस्ट में होंगी आई गेस 5th के या 6th के। अभी यहाँ पर हमने क्या कर लिया, ये कर लिया, ये भी कर लिया, आर्क बना लिया एंड आर्क जहाँ पर इंटरसेक्ट होता है उस पे कंपास रख के हमने और दो आर्क बना लिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको भी नेम दे देंगे। तो इसको नेम क्या देते हैं, ओ दे देते हैं, चलो। ठीक है, तो ये क्या कर लिया हमने, एंगल बाइसेक्ट कर लिया। ओके, होप आई होप आपको वीडियो समझ गए होगी अच्छे से एकदम। तो फिर आज के लिए इतना ही, आपको एंगल बाइसेक्ट करने आ गया होगा। ओके, आप घर पे प्रैक्टिस ज़रूर करना इस बारे में, ये आपको पूछते ही है ज्योमेट्री में। ठीक है, आपका मैथ्स में पूछेंगे, आपके मैथ्स में ज़रूर पूछेंगे। ठीक है, तो आप ये ज़रूर कर लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, एंड और क्या करते हो आप लोग, कमेंट करते हो ना, आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट कर लो। ठीक है, कोई सजेशन होगा तो वो भी कमेंट कर लो। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ। ठीक है, बाय।